मुंडा बदनाम नहीं, मुंडा बदनाम ही है। सैलरी भी है, जल्दी बताओ घूमने जाना है एक दो दिन में, मेरा मन नहीं लग रहा है इधर। रात को 7 बज जाएंगे, सिलेंडर भी लेना, मैंने मोमोज भी खाने, मैंने रोटी भी खानी है। आप दो जोड़े वापस कराने जाने हैं, इन्हें दो दो तीन तीन महीने हो गए। 2200 रुपए बहुत मुश्किल से देके गया था। ओ बस करो, 3500 रुपया दिता होता मैं। पुरानी चीजें निकाल के देंगे, फिर पता क्या बोलेंगे, ले भरावा ये तो कल का ही आया सीगा, ये तो तेरे वास्ते ही रखा सीगा मैं। काले होर लेन चले, शादी के लिए लड़की चाहिए, हम सैवी जॉर्डन, लड़का बढ़िया कमाने वाला है, पूरा टब्बर कैनेडा शिफ्ट हो गया, बढ़िया खाने वाला ही है भाई। अगली बार नहीं लेके आऊंगी इस लड़के को, नहीं तो इसने तो मेरा जीना आराम करके रख दिया हुआ है। भाभियां स्पेशल आप लोगों से मिलने आए, क्या बात है जी, इससे इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है जी। अब लगता है कि ना सफल हो रहा है ब्लॉग बनाना। हूं ही पटाका पा लेना ही ना, खत्म हो जाना सब कुछ। अंकुश ठाकुर, यो हां आहा। हाँ जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग जी, किदा जी सारे ठीक ठाक, उम्मीद करता सारे वधिया होंगे, तो थोड़ा भरा भी ठीक ठाक है। मित्रों चेक करो इदा सही है व्लॉग स्टार्ट करने का तरीका, दस्यो कमेंट करके। गुड मॉर्निंग हो गई मित्रों, तो थोड़ा भरा रात 8:30 सवेरे सुता, 8:30 पूरी रात लाइट है नहीं सी, लाइट की वेट कर करके सवेरे 8:40 जाके लाइट आई, फिर थोड़ा भरा सुता, तो हूँ जाके उठाया, तो उठते नाल ही काम चाह बना लगा सी। जिदा भी थोड़ा पता ही है जिदा कि सवेरे उठते उठते थोड़ा भरा ग्रीन टी पीना हों, जिदे ग्रीन टी ली गैस चलाई तो गैस मुक गई मेरे वीरियो, तो सवेरे उठ के फिर थोड़े भरा ने फ्रूट खाधा है, फ्रूट तो हम खा लिया, हूँ थोड़ा बस छिलके ही दिखाने लगा। तो बाकी हूँ सिलेंडर चकी, सिलेंडर चक के सिलेंडर बदला के आईए, तो बार सैवी तो सैवी का एक यार दोस्त थोड़ा पता लुधियाने लैके आए थे आप, और बेचारे को 2 दिन हो गए कि घुमाते फिरा नहीं पे, नाले मैं क्या सिलेंडर भराइए, तो नाले आप चंडीगढ़ जाना, तो चंडीगढ़ अज तो 5-6 महीने पहले एक शिनू वास्ते बहुत वधिया ड्रैस ली सी, जिहड़ी इहनू आई नहीं, वो अज वापस करनी है, पता नहीं निक भाई ने करनी कि नहीं करनी, आपां करके देखदे आं हो जूगी। तो हो वापस नहीं करनी, वापस सुनो सारे करेंगे, तो होर की करम, होर की जाके चंडीगढ़ करने आना। और एक मेरी जीन्स है जो अभी मैंने रिसेंट कपड़े लिए थे, तो उन्होंने 34 मेरे को साइज दे दी जीन्स का, जो मेरे को जिंदगी में नहीं आना, और वो है इतनी सी 34। हां स्नैपी स्कूबी नु पवा दे, कौन आवे केड़ा बिजली का बिल आ गया ना, देखा दे माड़ा जा किदा आया, 34,000 चंडीगढ़ सिलेंडर चकी है, पहला सिलेंडर चके सिलेंडर की पैकिंग गड्डी च करिए, गड्डी च रखिए, फिर चलिए पंप चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ घुमा के आवा थोनू नाले, इहदा यार मित्र आया थोनू दसदा सी, उहनू घुमाया नहीं कि उहनू भी घुमा फिरा लई, उहनू भी चंडीगढ़ दिखा दी माड़ा जिहा। शिनू जी सिलेंडर खोल, मैनू डर लगदा सिलेंडर खोलण नू, लै मैं मतलब मेरे को कौन सा बड़ा अच्छा लगदा है। ते जुड़े रहो मित्रो अज दे व्लॉग दे नाल, ते आपां राज मिलदे आ सारे ठीक है, ते नाले चिल करते चलते। 15 मिनट हो गए तेनू सिलेंडर चका के, इहनू कदी इधर गेड़ा कदी उधर गेड़ा, कदी किहड़ा काम करवाउनी आ किहड़ा कदी किहड़ा, तेनू पहला राखी दे फिर काम कर लई सारे जिहड़े करन वाले आ। ਹੋਰ ਕੀ ਲਓ ਜੀ ਮਿੱਤਰੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਲੌਗ ਚ ਦੱਸਿਓ ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਆਈਏ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ, ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਠੀਕ ਆ, ਆ ਦੇ ਕਰਤੀ ਨਾ ਪੈਂਟ ਗੰਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਗੰਦੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਗੰਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਚ ਘੁੰਮਾ, ਆ ਮਤਲਬ ਆ ਆਪਾਂ ਦੋ ਜੋੜੇ ਇਹਦੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਜਾਣੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਲਏ ਨੂੰ, ਆ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਸਿਲੰਡਰ, ਅਟੈਚੀਆਂ ਟੂਚੀਆਂ ਮਿੱਤਰੋ ਐਂ ਹੀ ਪਈਆਂ फिर बूट आ पे सारे तेन चंडीगढ़ घुमा के लिए 15 दी मार्केट ठीक है, चलो फिर चलो फिर चलो क्या मन नहीं कर रहा सिलेंडर देने का।
तो बस यहाँ हम सिलेंडर देंगे, सिलेंडर देने के बाद हम लोग चले जाएंगे आगे। आगे मतलब कि अंकुश बोल रहा है कि गाड़ी धुलवानी है, अगर गाड़ी धुलवा ली आज तो वेल एंड गुड, अगर नहीं धुलवाई तो आज अंकुश का फरनाटा है। इतने दिन हो गए गाड़ी खराब हुई है, ना धोने का नाम ना कुछ, तो अब बस आज गाड़ी गुड़ी धुलवा के फिर जाएंगे चंडीगढ़। यही मेरे कपड़े चेंज करवाने, होगी डिक्की बंद। अंकुश ठाकुर जी कहा है, वो पहुंच गए उधर, सिलेंडर रख दिया। चलो दे दिया, दुख तो नहीं हुआ है? दुख तो नहीं हुआ, बोल दिया ना उनको कि शाम को आएंगे लेने। ठीक है, 7 बजे तक ही है केंद्र पर अपना। ठीक है, तो नंबर तो ले लेना था। नंबर में की करना भैया, हमें फोन तो कर सकते थे। नंबर लिख लो, लिखो लिखो मरे लो। आज सूरज पता नहीं कहाँ से उगा है कि इस बिचारी की धोने की बारी हुई, अदरवाइज अपना अपनी शक्ल को पोछा लगाना डेली डेली। हफ्ते एक दिन वर्त होनी जरूरी है। हां आज आई होगी अकल यार अंकु, हफ्ता तो मेरे को हो गया है हुए, तब तो लगा नहीं पता कि गाड़ी भी धोनी है। मैं कह चंडीगढ़ जाना, गड्डी गंदी थोड़ा लेके आनी है। जैसे कि किसी को लंच के रेट पे लेके जा रहे हो, देता जाता साढ़े तो। अच्छा घर पे ही पाइप लेके आयो ना 350 रुपए की, उससे धोया करो, बाहर है टैब लगा हुआ। तो लो जी अब इधर गाड़ी गुड़ी धुलवाते हैं और फिर चाय चू भी पिला दो, जूस तो पिलाना नहीं आपने। इन्हें तो छां लब ली कुड़ी ने, आ चेक करो कि बैठी जाके सारे पासे गर्मी, आप छां च बह गए हो आराम ना, खा पी रही अपना, तो स्वाद ले रही अपना है। इतनी धूप में पागल थोड़ी ना आना, तन्नू ही पिया ही गड्डी तवाइए ज्यादातर है। मैं तो कहता ही नहीं खुल रही मेरी तो। हाँ खाना पीना होर कुछ, जूस कोक कुछ पीना पी ला, पैसे दे दी। ओए लिमका लैके, ये नहीं कि अंकुश नु आवाज मार के पूछ लांगे अंकुश जी पीनी तुसी है। आप वीडियो बना तो भी रखिए साइड पे। लो जी इधर तेजी जी, तेजी कहंदे जीपां च लंडियां, जीपां पवा दूं चीका फैन हुण घेरे आए हाय। ਲੈ ਵੇ ਤੇ ਜੀ ਇਹ ਤੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਇੱਥੇ, ਉਦਾਂ ਕਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਆ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਆ ਵੀ ਜੀਪ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਘੁੰਮੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਪਈ, ਬਸ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ ਵੀਡੀਓ, ਤੇ ਸਾਊਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਦਿੱਤਾ ਲੰਡੀਆਂ ਜੀਪਾਂ ਪਵਾ ਦੂੰ ਚੀਕਾਂ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਈ ਆ। ਲੈ 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 ਕਲੱਚ ਪਲੇਟਾਂ ਨਾਲ ਆਦੀ ਕੋਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੂੰ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਲੰਡੀ ਜੀਪ ਦੇਖੀ ਨੀ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30-40 ਵੀਡੀਓ ਕੱਢ ਲਈਆਂ, 30-40 ਵੀਡੀਓ ਇੱਕੋ ਸਾਊਂਡ ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੈਣੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੱਲੇ ਦੀ ਥੋੜਾ ਤੇਰੀਆਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਾਬਾ, ਇੱਕੋ ਬਣਾਈ ਆ ਇੱਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦੇ ਲਾ, ਮੈਂ 4-5 ਬਣਾਉਣਾ ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿਲੈਕਟ ਆਉ ਦੇ ਲਾ ਯਾਰ ਦੀ ਜੀਪ ਕਿੱਥੇ ਚੱਕੀ ਗਈ ਹੋਈ ਆ ਆ ਜੱਗ। मैडम दे थोड़े ड्रामे हुंदे आ कि गड्डी धोती च चंडीगढ़ जाना आ, ते चरीटां देख रही आ, चरीट ही आ बुगे इह, जदों पहली यार गड्डी शिमले लैके गया सी उदों दी चरीट आ इह आ सारी। तू चला लिया कर, देखे लोकां ने तेरे सारे ड्राइवर वाले ओहो ड्राइविंग जिहड़ी तू चलाउनी आ गड्डी, इक व्लॉग सारे कमेंट करके दस्यो मित्रो, एक व्लॉग होर बनाइए शिनू नूं गड्डी सिखाउण दा दस्यो माड़ा जिहा। जो कली वरना फिर उदो तां कहिंदे सी तेरियां इशारियां ते घुम्मी वरना, तो भी वड्डी होनी आ थले कमेंट करके दस्यो केड़ी गड्डी दी गल करदे पए आ कि केड़ी गड्डी लैनी आ, हले अगले साल ही लवांगे नवे साल, ए नहीं पता दिवाली ते भी मैं बुक करा सकदा जाके, तो बुक तो वो हो जाएगी अभी। गाड़ी पूरी नहा धो के हो गई तैयार, अब देखना चला के कितना स्वाद आएगा धुली धुलाई गाड़ी पे। हाँ ऐसे गंदी गाड़ी पे उठना चल पड़ना अपनी शक्ल साफ करनी बस, हम मेरे को नहीं पता। और इधर भैया भी आ गए, बस अब हम गाड़ी को आगे आगे यार चाबी दे दो चलते, एक दो
कपड़े चेंज कराने 5-6 महीने बाद याद आई है कि भाई एक ड्रेस चेंज करानी है, क्योंकि वो उसको मैं पहनती नहीं, ना मैंने पहनी एक बार भी, वो बस ट्राई करके देखी थी, मेरे को पसंद नहीं आई, फिर मैंने कहा चेंज कराएंगे। फिर पिछली बार गए तो थे निक भाई के पास कि भैया चेंज करने, तो भैया बोलते जब मर्जी, पर अब जब जा रहे ऐसा नहीं चेंज नहीं करी तो बेइज्जती का काम हो जाएगा। और एक मेरे को जीन्स करवानी है चेंज, वो जो मैंने पिछले महीने ली हुई थी, पिछले महीने की मैंने इस महीने ली हुई थी जब मैं घर जा रही थी तब, तो उन्होंने वो मेरे को गलती से कुछ और ही नंबर दे दिया था, तो वो भी चेंज करानी है। भाई आ जाओ जल्दी से, मेरे से खड़ा नहीं जा रहा है, तो इतनी गर्मी है ना इधर, क्या ही बोलूं। जाने के लिए बाद में सोचा कि चंडीगढ़ जाना, इधर चलाने की बातें पहले होगी, बोलते 500,000 डाला हुआ है तो बता कैश होना चाहिए 500,000। नहीं ये क्या बात होती है, फिर जाना ही क्यों, मतलब हुण चंडीगढ़ जाइए ना, जे सानू काम पै गया टी शर्ट जानी है तो जाइए ना कैब में। कैब तो भी 300-500 लगना ही आन जान दा। अच्छा भाई मतलब वो 500 दे दोगे किसी को, वो 500 चुभता है जब कोई नजायज का मांगता है, वो 500 नहीं चुभता जब कैब में जाना होता है, समझे। उदा नहीं कोई रोक दे, रब दा नाम लो, बस पहुंच जाएंगे टाइम। हां तो जल्दी जल्दी चलो, पहले खिला पिला भी दो यार कुछ, खिलाए दो आपने कुछ है नहीं, धक्के ही है खाने, धक्के खाने के अलावा कुछ खिला दो ढंग की, रोटी सब्जी जो पेट में जाए। जग घुमा दिया भैया ने, तो भाई अब जल्दी जल्दी चलते, अंकु पहले कुछ खिला दियो प्लीज, चक्कर आ जाएंगे नहीं तो उधर तक जाते जाते। रोटी खिलाओ, रोटी रोटी डाइटिंग आप डाइटिंग पे, मैं नहीं हूँ, मैंने तो खाना है। आपकी हर बार अगर कुछ बोल दो खिलाने के लिए तो डाइटिंग डाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। मैं ऐसा नहीं खाना, मैं उदा नहीं खाना, मैंने तो खाना है ना भैया, आपने खाना, मैदा नहीं खाना, मैदा कोई भी नहीं खाना, मैदा नहीं खाना, नहीं मैदा नहीं खाना, मैं मैदा ही खाना जो मर्जी हो। हाँ तो कपड़े चेंज कराने जा रही हूँ मैं, याद रख लेना, दुकानों में ही जा रही हूँ, कहीं अरे परे नहीं जा रही हूँ। आज ही लवाने, क्योंकि 15 की मार्केट में कभी कभी जाया जाता है, साल एक साल अब नहीं साल के एक आधी बार बोलो, मैं दसदा फिर करोगे लो, दस तो साल हो गया गए ना, तो हां जाके आए वही दा गल्ला ना, कब बदनाम कर छटया इन मुंडा, बदनाम ਮੁੰਡਾ ਬਦਨਾਮ ਨੀ, ਮੁੰਡਾ ਬਦਨਾਮ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਘੁੰਮਿਆ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨੀ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਘੁੰਮਣ ਚੱਲੀਏ ਕਿਤੇ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਖਰਚੇ ਕਰਾ ਲਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਬਤਾਓ ਘੁੰਮਣੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਮੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਧਰ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਕਹਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਹੀ ਜਾ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਮਾਲਦੀਵਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਓਕੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਹੋਣਾ ਦੁਬਈ ਘੁਮਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਹੋਰ ਮਹੀਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੁਬਈ ਦੁਬਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ ਕਹੀਂ ਪਹਾੜੋ ਪਹੁੜੋ ਮੇ ਜਾ ਕੇ ਆਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਕੇ ਲਈ। ਦੁਬਈ ਚ ਹੀ ਹੈਗੇ ਪਹਾੜ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਹਲਗੇ। लेकिन भाई मेरे को हरे भरे पहाड़ चाहिए ना, मिट्टी वाले पहाड़ थोड़ा, वो तो मैं इधर ही देख लूंगी, हरे भरे कहीं ठेला जैसा लगा होगा मिट्टी का, ठेला नहीं पहाड़। ये देख 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 खुद की नजरें हरे भरे भटक रही है, देख रहे हैं की लगा खानू इथे। एक ना उथे अपने एयरपोर्ट रोड ते भाई इडली सांबर वाला खड़दा, चलिए वो खा के आने ही, चलिए कर लिए। तो फिर रात को 7 बज जाएंगे, सिलेंडर भी लेना, मैंने मोमोज भी खाने, मैंने रोटी भी खानी है। सिलेंडर के फिर आ जाऊंगा, फिर सिलेंडर करना भी आपके किचन से ना जाए फिर से, पता रात को मेरे को ऑर्डर करके खाना पड़ा, वो भी स्वाद नहीं लगा। मैंने कल सोचा था दाल चावल बनाऊंगी, अंडे बॉईल करने के लिए रखे, वो अंडे भी अभी तक वैसे वैसे पड़े हुए हैं। चटनी भैया ना, वो तो आज चटनी बनानी है, तू घरे जाके मैं अंडे दे लाके खानी है। ओके इस हिसाब का साडा काम कर रहा ना, सानू तो ऐ फड़िया तो कपड़े लेने चाहिए, एक दिन पाए लागे रखते बस, दूजी बार नाले 50-100 रुपए का तेनू टोप मिल जाना, ठीक है 500-500 रुपए के महंगे महंगे टोप लेके तू ओ ही गल्ला कर दी, फिर एक बार पाके मैं नहीं पाउना की ये तो मैंने वीडियोस में डाल लिया। हां 100-100 रुपए वाले टोप लब समझी कि सरोजनी मार्केट का भी ब्लॉग बनूगा, जिथे कहते 100-150 रुपए टॉप, 200-300 रुपए दी पेंटा मिलनी, उथे भी जाके आवांगे, गोलू ने घुमाई जाना अपा नूं सारा पता। भैया हम एक बार सरोजनी मार्केट तो गए,
हमें रेट का ही नहीं लगता पता, उधर बार्गेनिंग करना पड़ती है। जो 100 रुपए की चीज है वो 50 रुपए देने के लिए भी तैयार होता है। पर अंकुश ने परफ्यूम लिए थे कितने के कितने को पता नहीं, जब हम स्टार्टिंग में गए थे पहली बार। चलो 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 खर्चे का घर, जल्दी जल्दी चलो। तो लो जी, बोल के तो मैं आ गई कि भाई आप कपड़े चेंज कराने रहने हैं, कभी कपड़े ले ले, कभी कपड़े दे के, कभी कपड़े दे के फिर से नवे ले ले। अंकुश अंकुश ए ले, अब छुप गया, मतलब दुकान पे आके छुपड़ा नहीं है, ठीक है। जल्दी जल्दी चलो, नवे कपड़े बुला रहे हैं मुझे। दुकाना बंद होगी आज, हाँ कि मेरे को खुशी होगी आज, पर ऐसा कुछ नहीं होगा रे। नवे कपड़े लिए जाएंगे, नवे कपड़े, दो पजामे और ये वापस करके जो मिले वो ले ले। दो पजामे एक टी शर्ट, लो जी लो। निक भाई, निक भाई भैया कहाँ है? आपका बैग नहीं है पर ये इतने की चीज वापस कितनी है, उन्ने की चीज लेनी बस। कितने की थी वो? 3500 रुपए की। 3500 रुपए के कपड़े लेके जाऊंगी। 3500 रुपए हूं इन्होंने, तू 3500 कहता हूं इन्होंने, पता कपड़े महंगे लाने इन्होंने, 3500 पूरा करना हूं कई तरीके। भाई नू बुलाओ नाले छेती मड़ा जा। की गल सुनो, थोड़ी आइटम करती वापस एक, कोई चक्कर नहीं, ठीक है। 4500 वाली, 4500 दी, हां 4500 दी सी। थोड़ी शर्म कर ले। किन्नी किन्ने दी? 7000।3500 रुपया कटा के गया ही मैं, सौ लगे जिदी मर्जी। हां मेरे दिमाग में 3500 रुपए घूम रहा है इतने टाइम। मेरे को एक मिनट, चल व्लॉग दिखाना मैं, कड्डा व्लॉग पक्की गल, जे होया फिर डबल देंगे 7000 रुपए दे। पुराना पजामा दिखा रहे हो, शर्म तो करो। ए मेरे पास है ब्लैक कलर का, ब्लैक है यार भाजी। इधरों जेड़े उदन मैं चाइनीज लेके गया पजामे वो बढ़िया सीगे, ओ दवो जेड़े इधरों कढ के दिता ही कितों। सारे पजामे मैं देखे हुए पहला, और ये गुड्डे वाला पीस पता मेरे को कब से दिखा रहे हैं, ब्लैक कलर का पजामा है इस पे जो इधर लटकाया हुआ था। भाभी कोई तो लगे जावे, हां भैया ये इधर इधर लटकाया हुआ था, अब मेरे को लगता है दो तीन पजामे नवे आए। चाइना वाले दिखा दे, जॉगर जुगर, हां जॉगर जुगर, हां वही कह रहे हैं जॉगर दिखा दो चाइनीज वाले। हुण इन्होंने पजामे दा रेट भी चक के लाउणा तन्नू पता है, पता है पजामे दा रेट भी वापसी टाइम एदा ही हुंदा। हां देखिया आ दे रंग है नी चोर उपर रंग पे दो तीन बेशरम इंसान भाई। टी शर्ट अभी दो दिन पहले के, ऐसा बताओ कितने दिन हो गए आपको लुधियाना से हुए? कितने दिन हुए अभी आपको लुधियाना से हुए? दो दिन भी नहीं हुए। हां तो फिर डिजाइन फ्रंट का एकदम गुच्ची कहां, दो दो तीन दिन, दो तीन तो रखी है इसने, काले ही काले कपड़े। ये मेरे पास है इधर इधर दिख रही है मेरे को भैया, बस मत दिखाओ। घूमने जाना किधर भाई, दो तीन दिन थोड़े ही कपड़े पा के आवा, ताही प्रमोशन होगी। ये तो तुम्हें फ्री में दे रहे हो, देखो उधर शक्ल दिख रही है ना वो। डीएनडी लग गया, साइलेंट भी छोड़ो, डीएनडी लग गया हुआ है उधर। काला रंग मैं कही, मैं काला नहीं दिखना, काला ही काला दिख रहा है। मैंने क्रॉप टी शर्ट्स लेनी है पजामों के साथ, काले काले होर लेन चले। टीशर्टां भी कहिंदियां ने कि काका आ जा जिम, आ जा काका ग्राउंड आ जा, देख लै तैनूं टीशर्टां भी ओदियां मिलदियां पईआं ने।
ਪਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਚੱਕੋ ਪਰੌਂਠਾ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਕਦ ਪਰੌਂਠੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੰਮ ਅਭੀ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਟੇਕ ਦੇ ਲੋ ਆਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਰ ਆਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਰੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ ਉਹਦੇ ਫੇਰ ਇੱਕ ਆ ਗਈ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਰਨਿੰਗ ਤੇ ਰਾ ਫੇਰੀ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖੀ ਆ ਫੇਰੇ ਰਾ ਫੇਰੀ ਓਏ ਤੈਂ ਦੇਖੀ ਆ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਦੇਖਾ ਸਰਕਸ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਰਾਵਲ ਨੇ ਉਹ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਜੋਕਰ ਵਾਲੀ ਆਹ ਚੈੱਕ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਿੱਕ ਪਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੰਗ ਸਾਰੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਟਰੰਕ ਚ ਰੱਖਤੇ ਨੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਜਦੋਂ ਫੇਰੇ ਰਾ ਫੇਰੀ 3 ਆਣੀ ਆ ਉਦੋਂ ਕੱਢਣਗੇ ਬਾਹਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਚਾਲੂਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਨ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਗਾਣਿਆਂ ਨੇ ਪੱਟ ਲਿਆ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਲੀ ਮੈਂ ਸ਼ਕੀਨ ਇੱਕ ਵੀਕ ਇੱਕ ਜੀਨ ਢੱਡ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਦੇਖ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਅਨਾਜ ਖਾਧੇ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਚਾਹ ਤੇ ਹੀ ਆ ਅਨਾਜ ਆਪ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਚਾਹ ਤੇ ਲੱਗਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਚਾਹ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਵੀਕ ਇੱਕ ਜੀਨ ਉਹ ਸਿੰਗਰ ਆਪ ਤਾਂ ਨਿੱਕਰ ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਜੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀਕ ਇੱਕ ਜੀਨ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਵਿਗ ਇੱਕ ਜੀਨ ਮੈਂ ਯਾਰ ਗਾਣੇ ਲਿਰਿਕਸ ਬਾਈ ਸ਼ੀਨੂ ਚੌਹਾਨ ਯਾਰ ਅੰਕੁਸ਼ ਕੇ ਪਾਸ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਉਹ ਐਲਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਓਰਿਜਨਲ ਆ ਉਹ ਚ ਘੱਟ ਐਲਵੀ ਹੁੰਦੇ ਇੰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨੀ ਉਹ ਐਲਵੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਲਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਓਰਿਜਨਲ ਵਾਲੇ ਨਾਪ ਤੋਲ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੀ ਐਲਵੀ ਪਾਣਾ ਆ ਦੇਖੋ ਗੁੱਚੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁੱਚੀ ਆ ਕੇ ਸ਼ਨੈਲ ਆ ਅਨਕ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਆ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਭੈਣੇ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮੰਮੀ ਬੇਚਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਨੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਘਰਦੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਓਦਾਂ ਹੀ ਓਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਹਿਣ ਬਾਹਰ ਹੋਤੀ ਹੈ ਮੰਮੀ ਬਾਹਰ ਹੋਤੀ ਮੰਮੀ ਬਸ ਗੇੜੀ ਮਾਰਨੇ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਲੜਕੇ ਕੋ ਦੇਖਣੇ ਕਿ ਸੁਧਰਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿੱਛੇ ਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਧੋਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਾਦੀ ਬੇਬੇ ਗਈ ਆ ਘਰ ਚ ਖਲਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਸੁਧਰਨਾ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਆਈ ਆ 8 ਤਰੀਕ ਘੁੰਮ ਜਾਏਗਾ ਆਂਟੀ ਕੋਲੇ ਨੇ ਡੈਲੀ 8 9 10 2 3 ਦਿਨ ਅੰਬੜੀਆ ਘੁੰਮਾਂਗੇ ਫਿਰੇਂਗੇ ਐਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਏਗੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਹੋਰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਵਾਂਗੇ ਫਿਰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਫਿਰ ਸੇ ਸੁਧਰ ਜਾਏਗਾ ਆਦਮੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਥੋੜੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂਗੀ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਚਿੱਟਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਝੋਟੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ ਐਸੇ ਕਾਲਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤੇ ਚਿੱਟੇ ਦੁੱਧ ਪੀਤੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਫ ਵਾਈਟ ਪੀਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਥੋੜੀ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪੱਤੀ ਪਾ ਲਿਆ ਕਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਮੈਂ ਪੱਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਵਹਿਮ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਵਹਿਮ ਤੋਂ ਇਹੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ 5:30 ਵਜੇ ਗੋਡਿਆਂ ਭਰ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਗੋਡਿਆਂ ਭਰ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਪੈਰਾਂ ਭਰ ਬਹਿ ਕੇ ਪੀਂਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡਤਾ ਪੀਣਾ ਪਾਣੀ ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੋ ਹੀ ਖਾਊਂਗਾ ਦੋ ਕਿ ਅੱਗੇ 3 ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਰਾਤ ਕੋ ਬਸ ਮੇਰੇ ਫੁਲਕੇ ਅਗਰ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਫੁਲਕੇ ਬਾਅਦ ਕੇ ਬਸ ਫੁਲਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੂਟ ਖਾਣਾ ਉੱਠ ਕੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਫਿਰ 2-3 ਫੁਲਕੇ ਖਾ ਲਓ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪੀ ਲਓ ਸ਼ੇਕ ਜੇ ਜਿਮ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਭਰਾਵਾ ਇਤਨੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਬਤਾਣੀ ਆ ਲੜਕੀ ਜਲਦੀ ਮੁੱਕਰ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਲੜਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਣਾ ਮੁੰਡਾ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਆ ਕਿਤੇ ਮੁੰਡਾ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਲੜਕਾ ਸਰਵ ਗੁਣ ਸੰਪੰਨ ਹੈ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਸੇ ਇਸਕੇ ਆਪਣੇ ਅਗਰ ਬਾਇਓ ਸਰਵ ਗੁਣ ਸੰਪੰਨ ਹੈ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸੰਪੰਨ ਹਾਂ ਸਰਪਣ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਾਲੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕੰਮ 35-35 ਹੋ ਗਿਆ ਪਸੰਦ ਕੀ ਆਇਆ ਬਾਬੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੈਂ ਓਏ ਅੰਕੁਸ਼ ਆ ਲੈਣੀ ਆ ਤੂੰ ਡੈਡੀ ਉਹ ਡੈਡੀ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਚਿੱਟੀ ਟਾਈ ਪਾ ਲਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਹੱਥ ਚ ਫੜ ਕੇ ਗਿਟਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਵਜਾਂਦਾ ਹੀ ਜਾਈ ਗਿਟਾਰ ਨੀਲੋ ਤੇ ਰੁਕ ਵੀ ਜਾਊਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਨੀਲੋ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਨੀਲੋ ਤੇ ਰੁਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬਜਾਈ ਗਿਟਾਰ ਤੇ ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ ਆ ਜਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਦ ਆਇਆ ਨੇ ਗਿਟਾਰ ਦਾ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਓ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਲਾ ਬਾਰੇ ਯਾਰ ਆ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਕਾਰ ਕਰੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਆ ਆਰਟਿਸਟ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਯਾਰ
कपड़े लेने थे मेरे, चेंज करा के ही लेने थे, तो भाई मेरे लिए नहीं और अपने लिए एक्स्ट्रा कपड़े ले लिए। मैंने तो सिर्फ दो पजामे उठाए और मैंने कहा चल ठीक है, मैंने कहा एक आधा पजामा अपने लिए देख लो, पजामा ले लिया, टोपी ले ली, टी शर्ट ले ली, भाई अगली बार नहीं लेके आऊंगी इस लड़के को, नहीं तो इसमें तो मेरा जीना आराम करके रख दिया हुआ है। अब मेरे को लग रहा है अगर 15 सेक्टर में गई, चलो 15 में तो लड़कों को कुछ भी नहीं मिलता, मिलेगा तो लड़कियों का ही, उधर जाके मैं लूंगी, पर मैंने क्या ही लेना, मेरे को अब मैं शॉपिंग से अक गई, मतलब अभी मेरे पास कपड़े हैं ही काफी पहनने के लिए, बट मैं तब भी अगर उधर मेरा मन कर गया तो मैं ले सकती हूँ, मेरा कोई पता नहीं चलता। वैसे भी चीज पसंद आनी चाहिए, और जो जो बोलता है कि कपड़े कहाँ से लेते हो, भाई मेरे को जहाँ पसंद आए मैं वहां से ले लेती हूँ, बस अपने ऊपर अच्छे लगने चाहिए, ये नहीं देखती हूँ मैं कि भाई कहाँ से ले रही हूँ कहाँ से नहीं ले रही हूँ, जहाँ दिल करता है वहीं से उठा लेती हूँ। तो बस अभी अंकुश गया पानी की बॉटल लेने क्योंकि प्यास लग रही है, तो बस यहाँ से चलते हैं फिर 15 की मार्केट थोड़ा बहुत घूम फिर के पैंट वगैरह चेंज करा के, और एक दो टी शर्टें लेनी है मैंने वो लेके, फिर चलेंगे हम घर की तरफ, और सिलेंडर भी लेना है क्योंकि उन्होंने बोला था 7 बजे तक किए हैं हम, बट भगवान करे 8-9 बजे तक तो रहने चाहिए, क्योंकि टाइम जो है वो हो गया देख लो 6:13 हो गए, तो 7 बजे तक तो हमने वैसे भी नहीं पहुंचना 8 बजे तक, तो बस चलते हैं। मित्रों एक तो कपड़े लेके नाल ही अपा आ गए वीडियो बनाने, क्योंकि सिद्धू भाई जिथे देख जाए फिर सलूट है भाई नू, ते इधर उस्ताद होनी जी बोहिमिया नाल, ते आपां दा वीडियो बना ली, जे तुसीं वीडियो देखनी है ते सवेरे मेरे इंस्टाग्राम ते जायो ते वीडियो जरूर देखियो, शिनू दी भी बनातियां ते हुण स्नैपचैटां पै रहियां मित्रों स्नैपचैटां, जे कहे ने इत्थे वीडियो बनाउणी, मैनू बहुत लोकी पहलां पुछदे सी इह कित्थे आ सिद्धू दी फोटो, नेक 22-23 मार्केट 23 दी मार्केट सैक्टर 23 दी मार्केट चा, ते हुण इह तों बाद आपां जाणा आ शिनू दे पेंट चेंज कराउणा, इत्थे कपड़े चेंज करा लिया हुण पेंटां चेंज कराउणियां बस शिनू दीआं जी। 15 की मार्केट ने मुझे बुला लिया, अंकु आए कपड़े कितने सुंदर सुंदर लगे हुए हैं, गड्डी भजावां तेरे कोलों मैं इत्थों 15 दी अंकु शॉप में आएंगे यार प्लीज, चेंज हो चेंज कराओ अंकु, एक इस शॉप में जाएंगे प्लीज, उधर लड़कियों के बड़े अच्छे कपड़े, जब हम दुबई जाएंगे ना तब करेंगे शॉपिंग, दुबई मेरे को लगता है कि कैसा, तुम दुबई नहीं देखो 15 ही देखो अभी समझे, जब हम दुबई जाएंगे तो तब हम शॉपिंग अच्छी करके जाएंगे, वो जब जाएंगे तब देखी जाएगी, अभी तो नहीं जा रहे ना, अभी तो इधर ही है, आ दे ला इनू गड्डी कब, वाह वाह कोच साहब आथू क्या कर दिया आपने, ओए होए होए ये तो मेरे को पता ही था, ओए होए तो होएगी है ना, अब आप ऐसा मत करना कि इधर बीच में लगा दी, चेंज कराएंगे कुड़ी, आज तक भीड़ भड़का ही बहुत है, मेरे को रास्ता दिखना चाहिए, आए तो ना अंदर कपड़े भी नहीं चाजना दिखाने, उन्होंने कहना वापसी वाला टाइम है, वापसी करा के एक नंबर बड़ा ले ली पेंट का, ओके जैकेट पसंद नहीं आ गई, आ पेंट मोड़ जड़ी मोड़ नहीं है, ओके जल्दी करो, आंटी जी नमस्ते कैसे पहचान लिया फिर आपने, मैंने आपको देखा था बहुत अच्छे लगते हो मुझे, अच्छा ब्लॉग अच्छा चल गया, हिमाचल से जैसे नहीं मैं अंबाला की, मेरी शादी खाने आ गई, क्या बात है जी, हां मैडम भी नाल ही ने जी, क्या बात है जी, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है जी, अब लगता है कि ना सफल हो रहा है ब्लॉग बनाना, हां जी बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत देखते हैं इनके ब्लॉग, क्या तभी 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 ये रोज लगा हुआ है, ये तभी तभी रोज लगा है, चलो लो जी 15 सेक्टर आए थे एक्सचेंज कराना, चलो फायदा हो गया, चलो ठीक है जी, ओके जी, कहते बैग आले शॉप ते जाना, कहते एक होर बैग आले नहीं कपड़ों, देख ला ब्रो तेरी गल सही हुंदी भाई, तू ब्याह कराया की एक्सपीरियंस है तेरा, वधिया वधिया पहला बंदा देखा जिन्हें वधिया वधिया दो बार गया, ए हुण उत्तों कह रहा है कि कितना वधिया मैं भी वधिया वधिया, मेरा फेस तेरे जदों तेनू फील आएगी बाद चो फिर मेरे वांगू हो जाएगा, गल्लां तां गल्लां ही ने, की करोगे कपड़े लेने अपने तो कुछ नहीं लिया, या तो कपड़े ले लो, मैं लगता तुम राशन भी पूरा नहीं लेंदे होंगे, राशन तो फ्लैट है ही नहीं, वे राशन पूरा है पर वो जो छोटे छोटे कीड़े लग रहे अजकल वो लग के खराब, सिलेंडर तो हुण भरवाया, मंडी जाना नहीं फिर अज,
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਬਾਹਰ ਭੇਜਤੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਜੂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਨੀ ਚੈੱਕ ਉਹ ਗਲੇ ਹਾਂ ਕਰ ਗਲੇ ਨਾਲ ਫਸਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਜਿਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਈ ਦੀ 15 ਸੈਕਟਰ ਦੁਕਾਨ ਆ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਭਾਈ 245 ਵੀ ਮੈਨੇ ਕੱਲ ਸਟੋਰੀ ਡਾਲੀ ਸੀ ਹਾਂ ਸ਼ੂਨਾ ਕਲੋਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਿਓ ਸ਼ਿੰਨੂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਉਂਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਰੇਟ ਵੀ ਜੈਨੂਅਨ ਆ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਲੈ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਨੇ ਚੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਭਾਜੀ ਨੇ ਚੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਚਾਹੇ ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਰਿਫੰਡ ਰਿਟਰਨ ਕਰਤਾ ਜਦੇ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ ਓਕੇ ਜੀ ਓਕੇ ਖੁਸਰ-ਪੁਸਰ ਹੋ ਰਹੀ ਪੂਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈਂਗੇ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਧਰ ਚੱਲ ਮੜਿਆ ਛੇਤੀ ਆ ਨਾ ਨਾ ਮੈਂ ਦੋ ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੋਈ ਮੈਂ ਮੈਂ ਦੋ ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੋਈ ਚੱਲ ਮੈਂ ਖੁਦ ਅਕੇਲੇ ਜਾਊਂ ਤੂੰ ਜਾ ਰੇ ਤੂੰ ਗਾੜੀ ਮੇ ਬੈਠ ਰੇ ਅੰਕਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਫਟਾਫਟ ਚੱਲੋ 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 ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਕਰ ਤੁੰਦੇ ਪੇ ਛੇਤੀ ਭੇਜਾ ਅੰਕਲ ਇਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਕੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਥਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਂਡ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਐਂਡ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਡਮ ਮਿਲ ਗਈ ਕਹਿੰਦੀ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਥਾ ਕਿ ਯਹਾਂ ਪੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਗਾੜੀ ਕਿਉਂ ਟਰ ਪੇ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਵੀ ਇਹ ਇਤਨੇ ਪਿਆਰ ਸੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜਬ ਐਂਡ ਪੇ ਭੜਕ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਤੋ ਬੈਠੋ ਗਾੜੀ ਪੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਸਮਝਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਸੌਰੀ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਮੈਂ ਚਲੋ ਸੌਰੀ ਜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੀਗੀ ਭਾਜੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫਰੈਸ਼ ਬਣਾਈ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਜੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੌਰੀ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੀ ਅਗਲੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਆਪਕੋ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇ ਦਿਆ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਥਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕਹਾ ਯਾਰ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਭਾਂ ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਹੀ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਬਰਾਵਾ 2 ਮਿੰਟ ਚ ਖੜੇ ਪੈਂਟ ਫੜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ 5-7 ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਯਾਰ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ 5-7 ਮਿੰਟ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕਈਆਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੂ ਮੂਡ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰ ਮੂਡ ਖਰਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਦੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਲਪੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਘਰੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੜ ਲੜ ਕੇ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਿਸ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੌਰੀ ਚਲੋ ਇਟਸ ਓਕੇ ਯਾਰ ਚਲੋ ਜਾਓ ਬਟ ਕਈ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਨਾ ਆਪਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਖੜੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਕੱਢ ਲਓ ਨਹੀਂ ਹੋਰ 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 ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਐਵੇਂ ਬਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾ ਹੈ ਦੂਜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਸਾਡਾ ਰਾਤ ਖੜਾਈ ਰੱਖਣੀ ਇਹਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਸੀ ਜਦ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਕਢਾਓ ਫਾਲਤੂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੀ ਯਾਦ ਰਹੇਗੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਯਾਰ ਕਿ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਚੱਕਣਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹੈ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਭਾਗੋ ਚਲੋ ਤੇ ਲੋ ਜੀ ਅਬ ਸਿਲੰਡਰ ਚੱਕਣਾ ਫਿਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਣੇਗੀ ਰੋਟੀ ਅੱਜ ਲੋ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਸਿਲੰਡਰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਇਧਰ ਬਣਾ ਲੋ ਫਿਰ ਘਰ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਬਣਾਣੇ ਕੇ ਲਈ ਬੋਲਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸਿਲੰਡਰ ਬਣੇਗੀ ਅਬ ਰੋਟੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਕੀ ਆ ਸਿਲੰਡਰ ਫਿਰ ਲੈ ਲਤਾ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਐਸਾ ਵੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਕੀ ਆ ਸਿਲੰਡਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਲੈ ਲਿਆ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਲੈ ਲੇ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਲੈ ਲੇ ਹਾਂ ਅਬ ਹੋਰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਘਰੇ ਚਲੋ ਰੋਟੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਓ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਓਏ ਹਾਂ ਯਾਰ ਰੋਂਗੀ ਬਣਾ ਲਾ ਸੋਹਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵੀ ਐਪ ਸਟੋਰ ਸੀ ਫੇਵਰਿਟ ਸਟੋਰ ਸੇ ਉਹ ਰੋਂਗੀ ਦਾ ਪੈਕਟ ਚੱਕ ਲਓ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਖ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਲੈ ਲਓ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਸਿਲੰਡਰ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕੱਪੜੇ ਫੇਰ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਪਰ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਲੈ ਲੇ ਸਿਲੰਡਰ ਜੋੜ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆ ਫੋਨ ਫੜ ਲਾ ਆ ਲੈ ਮੈਂ ਸਿਲੰਡਰ ਜੋੜਦਾ ਫੋਨ ਫੜ ਲਾ ਤੇ ਵਲੌਗ ਬਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਭੁੱਲਰ ਕੋ ਗੀੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਚਲੋ 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 ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆਪ ਇਹ ਕਰੋ ਹਾਏ ਆਪਨੇ ਸੁਬਹ ਇਹ ਪਪੀਤੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਸਟਬਿਨ ਨਾਮ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਚਲੋ 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 ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਚਲੋ ਕੁਝ ਤਾਂ ਆਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਇਹ ਨੀਚੇ ਵੀ ਰੱਖੋ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣਾ ਪੜਦਾ ਕੜੀ ਚਕੋਤੀ ਹੈ ਤਬ ਚਲਦੀ ਹੈ ਇਹ ਆ ਦੇ ਲਾ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਵਾਹ ਹੁਣੇ ਬੜਾਕਾ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਥੋੜਨਾ ਹੈ ਆਪਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆ ਗਈ ਪੈਪ ਬਹੁਤ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਨਵੀਂ ਲੈ ਆਏਗੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਯਾਦ ਕਰਾਈ ਚਲੋ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਔਰ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਉੱਪਰ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਾਤੇ ਆ ਹਮ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ ਨਾ
बस चलो जला के दिखाओ किथे होगे गिप्पी ग्रवाल गिप्पी ग्रवाल मैं देखा किथे आ हां चल ठीक है ओके तीनों तीनों जला के दिखाओ देखो ना जादू करना तू घरे दस नंबर 2 हो गए जादू ए देखो अंडे कर रही थी कोई मंगला मंगला इठा चलो बाय ओके बाय मेरे लिए चावल दाल चावल बना के रख सारे वास्ते बना के रख सैवी ना वास्ते भी ओके ओके बाय ओके थैंक यू सो मच सोलो जी अंकुश वगैरह चले गए फिर से घूमने कहीं बाहर तो पहले तो मैं सबसे पहले मैं सफाई सफुई करती हूँ क्योंकि अंकुश ने सुबह मेरे को उठाया था एक तो मैं सुबह लेट ही सोई थी आपको पता है कि लाइट चली गई थी हमारी तो करके तो अभी मैं सबसे पहले तो पूरा घर साफ करती हूँ क्योंकि खलारा थोड़ा बहुत मचा ही होता है ना घर पे फिर मैंने पूजा वगैरह भी करनी है फिर रोटी बनाते हैं जल्दी जल्दी तब तक ये लोग भी आ जाएंगे नहीं तो फिर मेरे काम आधे रह जाते हैं और आधे होते ही नहीं तो चलो मैं जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ और स्नैपी स्कूबी को भी मैं अंडे खिला देती हूँ जो मैं कल के से बॉयल करने के लिए रखे थे ना तो मैं अभी उनको बॉयल कर लेती हूँ फिर उसके बाद इनको डालती हूँ बेचारों को खाने के लिए वैसे तो उन्होंने खा ही लिया था सुबह पपीता वगैरह खा लिया था फिर मैं इनको दूध दही डाल के चली गई थी अब इनको अंडे की बारी तुसी रसोई च ही खड़िया करो ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਣਦਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ ਗਏ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਿਆ ਬਣ ਗਏ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅੱਜ ਫੇਰ ਚਾਵਲ ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਂਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਉਹ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੰਡਤ ਅੱਜ ਫੇਰ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਆ ਇੱਧਰ ਆਹ ਪੰਡਤ ਬੈਠੇ ਆ ਦੇਖੋ ਓਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਬਸ 5 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ ਰੋਟੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣ ਹੀ ਗਈ ਆ ਪਿਆਜ਼ ਕੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਧੀਆ ਡਿਨਰ ਆ ਦੇ ਲਓ ਓਕੇ ਓਕੇ ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਮਿੱਤਰੋ ਤੇ ਖਾ ਗਏ प्याज ते नाल खा गए दाल ते नाल खा गए चौल इनू खवा पहला कुछ आ दे इनू खवा कुछ है बहुत आ इन्हें नहीं खाने इनू खवा कुछ पहला नहीं नहीं उपर उदा थोड़ा जा चाट मसाला पा दी और कुछ आ चेक करो थोड़ा भरा नवी टोपी लैके आया जब तक बाल नहीं आते तो मैं क्या नवी टोपी पानी नवी टोपी लै लिए पुरानी टोपियां घस गया कल एक जी संतरी टोपी ली मेरी स्कूबी खा गया चंगी तरह गंदी करती उन्हें मूँह च पा पा के ओके ओके लो जी मित्रों डिनर आ गया साडा रात दे आ दे लो 12 बज गए हुण जाके डिनर होण लगा सवेर दा सारा घूम फिर के हुण आए हैं इहदे कपड़े कुपड़े बदला के ते हुण आए हैं तां रोटी मिली आ सवेर दा फिर तुसी कहंदे हर ब्लॉग च कहंदा कुछ खादा नहीं बाकी नहीं भाई कुछ खादा नहीं तां हुंदा अज समोसा ही खादा जिहड़ा आपां इक कपड़े दी दुकान ते खादा ही ते आ हुण दाल चौल हुण मिले आपां नूं हुण खाण लगे आ हल्का फुल्का खाना चाहिए सवेरे फ्रूट खादा ही तेजी तुम सवेरे की खा गया तुम तो सच चिकन भी पाड़ के आए उ चिकन हाँ तू तो चिकन भी खादा हाँ अच्छा सौंकदा ही सौंकदा ही खादा नहीं गल्लां सुन तेजी दियां चल एको जी वैरायटी है दोनों एको मल्ले दी एको जी वैरायटी इकट्ठी हुई है नौ मित्रो खाइए ते फिर आराम नाल ब्लॉग एडिट करना बैठूंगा फिर सवेर तक थोनू ये ब्लॉग देखने को मिलेगा ते ब्लॉग नू मेरा भरा वध तो वध शेयर करया करो प्यार दिया करो ता ही ब्लॉग पोस्ट दा फायदा हुंदा साडे ते बाकी घूमण दी प्लानिंग बणदी है देखदे हां किथे जांदे घूमण तुसीं जद तक इस ब्लॉग दे थल्ले कमेंट करके दसो किथे घूम गई है लागे छागे दूर दा जे किथे बणाया फिर दूर दा किथे डवाई डवूई दा ही देखांगे भाई जी भाई ठीक है हां तू नाल नहीं जाना चल ठीक है दिल्ली भी आप जाना ना सच हाँ वह भी आप ब्लॉग बनावे सारे चला कट्ठे घूम फिर ये कौन सी प्रैक्टिस का ब्याह लगा हुआ है कि तुम प्रैक्टिस कर रहे हो डांस की ए वाला स्टेप तो अंकुश का फेवरेट है भैया सो हां जी गाइस डिनर वगैरह हम लोगों ने कर लिया और भैया वगैरह भी अपने अपने फ्लैट चले गए तो अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जो जो हमने शॉपिंग करी तो ये कपड़े आए जो हमने 3500 की एक ड्रेस ली थी उसकी जगह एक ये पजामा एक ये पजामा ए जीन्स उस जीन्स के बदले और एक ये पजामा और दो टी शर्ट है ये अब ऐसा मत सोचना है कि हाँ ये 3500 रुपए में ये 2000 हमने और ऊपर दिए तब करके सारे कपड़े आए
तो चलो आज का व्लॉग अब मैं यही खत्म करती हूँ। अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और जो चैनल पर न्यू है वो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, सारे कमेंट्स पे ये बताओ कि हम लोग अब घूमने कहाँ जाए। इंटरनेशनल नहीं, इंटरनेशनल थोड़े 1-2-3-4 महीने बाद जाएंगे, पर अभी ऐसे बता दो कि यहाँ कहाँ हम लोग घूमने जाएं, पहाड़ों में जाएंगे, कहाँ जाएं, कहाँ नहीं जाएं, कमेंट करके पक्का पक्का बताना। सो गुड नाइट।